पर ये आपको पता है आज हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जिनकी फिल्म हमेशा हाउसफुल रहती है। हालांकि दो तीन सीटें खाली भी हो ना सिनेमा घर में, फिर भी बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है। गेस करो क्यों? क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम ही हाउसफुल है। इट वाज अ बैड जोक। बड़ा शरारती है यार। पर द गाइस वो आर कमिंग, दे आर नॉट बैड, दे आर सुपर्ब। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूँ मिस्टर रितेश देशमुख एंड माय ब्रो अक्षय कुमार। क्या हाल चाल है दोस्त? कैसा है तू? ऑल गुड। कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। आप क्या देख रहे अक्षय भाई? और रुक जाओ, रुक जाओ। देखो वो सारा मेरा टेबल शेबल चेक करके गए हैं। अब देखो यहां से निकलेगा ठा करके, देखो यहां से, यहां से छोटा पेपर सी नहीं अखबार है। अब देखो ना अखा मेरी थोड़े तो एन ए मिली है। ठीक है भाई, जिस्म आ गया है, कोई जां क्यों नहीं आई, खामोश हैं फिजाएं, कोई आंधी क्यों नहीं आई, रौनक बंद गई है आप लोगों के आने से, पर ये तो बताओ गुरु कोई मोहतरमा क्यों नहीं आई। मोहतरमा नहीं आई है लेकिन उसकी तस्वीर हम जरूर लेके आए। क्या मतलब? आपको पता बाजी कौन तीन हीरोइन है अपनी पिक्चर में? पूरा पता है। पता है आपको? नरगिस फाखड़ी। नरगिस तो है। नरगिस फाखड़ी। अच्छा नरगिस, फिर लीसा हिडन। लीसा हिडन और तुझे पता है फर्नांडिस, तीनों ही। तुझे पता है पूरा? अरे आ गई तस्वीर। जी वो है नरगिस फाखड़ी, जैकलिन फर्नांडिस, हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलिन फर्नांडिस, और ये लीजा हिडन। उसको कहो थ्रेडिंग तो करे, दाढ़ी इतनी है मुंह पे। अच्छा तो बिना मेकअप के ऐसी दिखती है। चलिए ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, जो है यही सवा से रहे। एक बार अक्षय पाजी और रितेश के लिए जोरदार तालियां। पाजी वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगी? शांति बन, नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नॉन कोऑपरेटिव। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यक्रम होते आए हैं मैंने सारे कार्यक्रम देखे। मुझे कोई भी पूछ लो, मुझे आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछ लो, अच्छा उनकी नर्सों के बारे में पूछ लो, चाय वाला जो अपनी अपनी बीवी को ढूंढता रहता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसका बच्चा एक एक वो भी है ना जो टॉयलेट साफ करता, कौन है वो? नहीं नहीं साफ नहीं करता भाजी, टैंकी अनलोड करता है। इज अ यूनिक बिजनेस, इनवाइट सम गेस्ट, दे स्पेंड सम टाइम एंड दे पे हिम व्हाटएवर द चार्जेस आर। सो आपण बघितलं का काय हे इकडेचं पहिलेचं कि पहिल्यांदा बघते, पहिल्यांदा पाहतो, पहिल्यांदा बघते तर इनको इंट्रोड्यूस, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था, बाहर लोगों से मिलवा दिया था। तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आप क्यों बता रहे? रितेश मेरा भाई है, इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से। समझ में आज तक नहीं आई, जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये। कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है। नहीं मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट। बट व्हाई आर यू फीलिंग जेलस? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. Then what? I was just asking, I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी, वैसे कहता पाजी, आज कह रहा मिस्टर सिद्धू श्यामा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है, पहली हाउसफुल जो आपने देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही है, और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्मों में होता ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं कुछ नहीं इसके लिए, कुछ नहीं आप, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन, हास्य कथा सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में, हे बेबी ये सब पिक्चरों में, सॉरी हे बेबी नहीं, बेबी में, स्पेशल 26 में कमाया, सब इसमें गवा दूंगा। जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से सब हो जाएगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आप ऐसा बोल रहे, मैंने सारा नाम गवा लिया, क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूं आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है, बता रहा हूं। बिल्कुल पाजी, रोना तो क्या, आंखों में चुभो दो, उंगली रो लेगा।
रितेश, आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम के भी दोनों पार्ट्स की हैं, तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट? हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक लगा लूंगा अगर 3 बनाओगे तो। 5 साल का प्लान होता है, 5-year plan। ओके, मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर ले लो, 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल का बाद में सोच लेंगे। जैसे एक विलन किया, अब 2 विलन, 3 विलन, दोनों का और करने वाला है। एक विलन पाजी, वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी, एक विलन। आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके माँ बाप को, ये एक विलन में? नहीं, आई थिंक फिल्म लाइक एक विलन, क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। तो आज के एक्टिंग की बात कर ली आपने, देखो तो मैंने एक ही पिक्चर की, हॉलिडे, गब्बर, बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं कर रहा हूँ, मैं तो कलर करता हूँ, मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी है। अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी, हॉलिडे, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? बकवास कम करेगा, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद, कॉमेडी जिंदाबाद, आई लव कॉमेडी। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई, ये तीनों झूठ बोल के शादी कराते हैं। पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी, आपकी भी जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला, जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं, मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है, बड़ी खुशी है ना आपको। भाई आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ, हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम, मैंने झूठ, हाँ बहुत बार। नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देता है? बिल्कुल सही गल है, इंसान को बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बताना पड़ता है कि मैं बहुत कमाऊ पुत्र हूँ, सब कुछ बताना पड़ता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बोलो झूठ बोलो। पर एक बात बताइए, हाउसफुल 1 और 2 में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है, नया क्या इसमें? इस फिल्म के अंदर नया मैं अभी लेके आता हूं, नया चल बे। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। एक मिनट, वैसे ही गले लगना जैसे पिछले एपिसोड में लगे। वेलकम ऐश, वेलकम। देखा हमने, तेरी कुटाई होगी बेटा आज, तेरी कुटाई होगी आज। अश्वरा दीदी की बात कर रहा है? दीदी, हाँ करेक्ट। एक बार अभिषेक भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक भाई आप साथ में क्यों नहीं आए, मुझे समझ में नहीं आया। हमारी एंट्री थोड़ी बाद में होती है, लेकिन हम जब एंट्री करते हैं फिर शो वहीं से शुरू होती है। अरे अभी अभिषेक भाई आए गए तो मेरे मन में बड़ी देर से सवाल था। एक्चुअली अक्षय पाजी, ये जब मैं पहली बार एक बार मिला था ना अभिषेक भाई से, तो इन्होंने एक बात कही थी, मैंने कहा आप पूरा परिवार बिजी रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग लेकिन खाना एक टाइम का साथ में जरूर खाते हैं। आप हाउसफुल में बिजी हैं, ऐश्वर्या सरबजीत में बिजी हैं, बच्चन साहब 3 का शूटिंग कर रहे हैं, जया जी पॉलिटिक्स में, एक्टिंग में बिजी हैं, आप कहाँ मतलब इंटरनेट पे ऐसे फेस चैट करते हो, खाना खाते हो, साथ में कब खाते हैं आप? देखिए आजकल का जो माहौल है फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब दुबले पतले लोगों का है जी, तो वो तो खाना खाते नहीं है, तो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि सब लोग सब बिखरे हुए हैं, तो हम भी खाना नहीं खाते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, ये कुछ 5-6 साल से खाना नहीं खाए, ना तो ये कॉफी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ना मिठाई खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं। पाजी फिर इंजॉय कैसे होता है? देखो इन्होंने जो कहा आपने मान लिया, आपको लगता है ये शरीर आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है बिना खाना खाए? हाँ जी, मैं पंजाबी है ही हूँ। पाजी जब भी कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता ना कि फिल्म में ज्यादा हीरोइन हो, एक से ज्यादा हो, तो छोटी छोटी चीजों को लेके ना उनकी वो हो जाती, कहाँ सुनी हो जाती है कि मेकअप को लेके, कपड़ों को लेके, आप तीनों में कभी नहीं होती? मतलब लड़कों में क्यों नहीं होती, कि होती है बाहर नहीं आने देते हैं, कि क्या सीन है? अगर आप अक्षय के साथ काम करें जी तो पार्टी क्या होगी, आप मैं आपको बता दूं जी,
पैकअप होते ही मोस्ट एक्साइटेड पर्सन अक्षय कुमार, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं जी, सुबह 7 बजे आएंगे तुरंत, जैसे ही ये स्टेप इन किए सेट पे मीटर नहीं नहीं मीटर डाउन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, या 8 घंटे माने बीच शॉट में कपड़े उतरे सब मेकअप निकाल के ये आ जाएंगे, एंड हिज पार्टी इज लेट्स साइकिल बैक टू द होटल, लेट्स वॉक बैक टू द होटल, 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, लेट्स वॉक, इट्स सुबह से अकी भैया 50 किलोमीटर, ओके वी विल रन, नो प्रॉब्लम। ये Nothing makes him happier. Then you reach there. थकाने वाली पार्टी है। मानी ये पहुंच जाते एकदम तंदुरुस्त, हम दोनों पता नहीं बीच में टैक्सी मार के सब ऐसे पहुंचते थे। He'll be there, ready, चलो स्विमिंग, स्विमिंग, हाँ, 50 laps. 10 के बाद तो ये ड्राउन हो जाते थे। फिर मैं उन्हें बचाने जाता था, मैं ड्राउन हो जाता था। फिर इनके जो ट्रेनर है, हम दोनों को बाहर निकालती थी। उसके बाद खाना खाते हैं यार, हम दोनों भूख से मरे, हाँ यार कुछ बटर चिकन या कुछ मिल जाए हम लोगों को, खुश हो जाएंगे हम लोग। बॉइल्ड कैरेट, स्पिनिच, नो राइस, नो रोटी, हाँ रेडी, हाँ सर ठीक है, सुबह 7 बजे पैदल जाएंगे वापस सेट पे। ये इनका पार्टी है, ये इनकी पार्टी, तो ये पार्टी है, तो 9 बजे रात तक इनका ये हो जाए, फिर उसके बाद हम उस लायक नहीं रहे कि कहीं पार्टी करने जाएं। मुश्किल से तो कमरे में पहुंचते थे और 9 बजे आउट। अच्छा अब इनसे पूछना दोनों से कि ये अगली फिल्म दोनों करेंगे मेरे साथ। मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं 3 पिक्चरों के हिसाब से साइन करता हूँ। अभिषेक भाई ये ट्रेनर यही तो नहीं जो यहाँ पे बैठी हुई, जेनी एक ओलंपिक जिमनिस्ट है बाय द वे। अच्छा हाँ जी, जेनी कम ऑन स्टेज, बहुत ही कम कम जेनी, कम ऑन जेनी, कम ऑन जेनी, स्टैंड नेक्स्ट टू कपिल भैया, बिकॉज ही डजंट हैव अ शॉर्ट मैन कॉम्प्लेक्स एट ऑल। You are so long. Yes, very long. Nobody is stopping you. Jenny, which country? I mean, you landing. I'm from London. London. London's I love country? London. Yeah. Jenny, tell me one thing. If I do 4 kilo, listen. You are like my sister. Okay. Don't tell anybody that I was trying so hard to speak in English. If I want to reduce 4 kgs. 4 kgs. 4 kilos, yeah. 4 kilo. Oh, you know, London also kilo. Not pound. Not pound nahi chalta tha. Nahi. Okay. Kilo. So if we want to reduce 4 kilo from our stomachs. Yeah, kitchen area only. What should we do? Train. Training. What kind of training? It means if somebody don't want to run, don't want to swim after pack up, mm-hmm. and don't want to eat boiled carrots, potatoes. Correct. Eat potatoes. Potatoes. Sweet potatoes. Potatoes. So what should we do? Give up and go home. Yeah. What? Give up and go home. Mane ghar chale jaiye aap. Chhod dijiye. If you don't want to train and you don't want to eat right, should I suicide? No. Okay. Just abs. So is it okay? Abs. If you have a problem with your paunch, work on your paunch. Paunch? क्या होता है? माने आपकी paunch बहुत दूर की है. Paunch. क्या बोलते हैं? Paunch. 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 This. Ton. After the struggle of so many years, I have learned the word stomach, and now you launching another word. Paunch. Paunch. Thank you so much for making my big bro so fit and You have lost a lot of weight. You're looking very but good. Jenny, since you're here, Akhi bhaiya, agar aap permission de to. Since you're here, I think you should give him 1 or 2 tips on stretching. Why? Because stretching is more important. Stretching, ye workout nahi karwayegi. Stretching is great. You are stretching. Come on. Ye dekhiye stretch. Let's go. Right? ये एक स्ट्रेच
stretch. Jenny to stretch. Huh. Hey, this stretch. Jenny, now show some stretches. Ear stretch, that one. No. Show some stretches. Show some stretches. Jenny will show you what stretches you should be doing. Yeah, इधर देखिए. Yeah, ऐसे देखिए. Yes. Come. Can you please repeat? हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है. ये भाई बहन का प्यार है. हाथ फाड़ के खड़ा रहे. चलो रबड़ की बनी हुई है. एक मिनट, दो मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जी. नहीं, एक सेकंड. नहीं, अरे आओ, हो जाए. ओके, डू स्ट्रेच. कोशिश. ओके, बाय बाय. आ जी, दो मिनट. नहीं, आ जाओ. पर नहीं, पाजी मेरी पैंट फट जाएगी, क्या कर रहे. पाजी इनको नेल कटर की जरूरत ही नहीं है, तो हाथ से ऐसे पैर से काट सकते हैं. ऐसे घुमा के अपने नेल कटर. वाओ, थैंक यू जेनी, एंड भगवान तुम्हें अच्छा पति दे. जीती रहो, खुश रहो. थैंक यू. आप अगर फिल्म साइन करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस. हम लोग बहुत पिटने वाले हैं शाम को. ये हमें वापस घर पैदल ले जाएगा. हम लोग नहीं. रितेश ने तो पहले बचाव कर लिया अपना, पोनीटेल करके बेबी बना हुआ है. मुझे कुछ नहीं कहेंगे. पाजी वैसे सीरियसली आप क्या देखते हो? पहले मुझे बड़ा शौक था कि मैं बाहरी शूटिंग करूं, क्योंकि फॉरेन कभी देखा नहीं था. तो फिर मैं अपने प्रोड्यूसर या राइटर से जब भी कहानी सुनता था तो कोई भी कहानी के वक्त ऐसे बोलता था, जी कहानी शुरू होती है आप मैसूर में, चल बे बाहर चल. क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था कोई बात बोले कि आप पूना से हैं. नहीं, लेकिन इंटरवल में आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है तब आना जब लंदन. कोई ऐसी फिल्म लेके आ जो मैं बाहर ही हूँ. एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आप तीनों शादीशुदा हैं, आप तीनों की जो धर्म पत्नियां हैं वो बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद किसी ने भी अपनी वाइफ को इस फिल्म में नहीं लिया, ऐसे क्यों? घर में भी दाल मखनी खाए, फिर बाहर भी दाल मखनी खाए. अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश किया था कि ऐश्वर्या ये पिक्चर करे. तुम क्या बात कर रहे हो? बोलते हैं टीना को, बोलते हैं क्या? अभी घर से निकलने के लिए तो हाउसफुल कर रहे हैं. वापस घर में घुसने के लिए. नहीं, तुम दोनों बहुत कमीने लोग हो यार. ऐसे मैंने बहुत कोशिश किया था, मैंने कहा देखिए हम सब तीनों शादीशुदा हैं, क्यों ना अपनी बीवियों को भी ले आए इस पिक्चर में. मैंने सर, मैंने बहुत कोशिश किया था. और दोनों के बारे में और इंडस्ट्री में तेरी बात मान नहीं रहे लोग. नहीं नहीं. तो जो फेरे होते हैं वो आपने सीधे सीधे लिए थे कि एक दो फेरे लेके बाद में? तूने जो फिल्म की थी जी, उसके अंदर तेरी तीन बीवियां हैं जी, तो इससे जरखाने चले जाता. तुझे इतनी छिड़ाने मारने की क्या जरूरत थी? अक्षय पाजी का कोई भी काम सीधा नहीं होता. मैं इन ए वेरी गुड वे, मतलब आप, मैंने इनकी एड देखी, कोल्ड ड्रिंक की एड, इनको प्यास लगी होती है सीधा बिल्डिंगों से कूद फांद के ये वो जाके, उसके बाद जाके कोल्ड ड्रिंक पीते, जाके दुकान वाले से सीधे सीधे ले लो आप. तो आप हमेशा तो एनर्जेटिक है ना, फिट हैं. ये शूट भी इन्हीं को करती हैं. तो पाजी जब आपकी शादी हुई थी, ये आपने फेरे सीधे सीधे लिए थे कि दो फेरे लेके बाद में गुलाटियां मारनी शुरू कर दी? ओके, बल्कि मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बताऊं, जब वो पंडित पढ़ रहा था ना, तो मंतर जी मंतर पढ़ रहे थे, तो मुझे अभी याद है, मैंने पंडित को बोले थे,
थोड़े पैसे दिए थे भाई, जल्दी पढ़ लियो, जिम जाना है। पाजी मैं आपके आने से पहले पूछ चुका हूं, तीनों हिरन में से कोई भी एक क्यों नहीं लेके आए? आर यू इनसिक्योर कि हम तो मैरिड है कहीं ये लड़का ना ले उड़े, लाइक दैट? हां यार, वी आर वेरी इनसिक्योर आफ्टर सीइंग ऑल द एपिसोड्स। हर हीरोइन आते ये इंसान ऐसा घटिया आदमी है, हर हीरोइन को यही बोलता, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आई ओनली वॉच योर फिल्म। आप लोगों कोई भी एपिसोड देखो, कोई भी हीरोइन आ जाए ये छोड़ेगा नहीं उसे। हम खुश हैं, हम तीनों आए हैं, अब हमें बोल तू किसका फैन है। तू जब हीरोइनें आती है तो उनके फैन बन जाता तू। मैं अकेला नहीं जो हीरोइनों को ये बात बोलता हूँ, यहाँ बंदे दो हैं। कौन? कोई नहीं बोलता, दो हैं। मैंने आप क्यों ले गए? मैंने आपका नाम लिया, कमाल कर रहा, बिल मेरे ऊपर फाड़ रहा है, कमाल। मैंने नाम ही नहीं लिया बाजी। जब पिटने वाला तो मेरा नाम ले रहा है। मैंने नाम लिया बाजी। दो भाई यार, और नाम भी लिया और कहा आपको दो आदमी का है। आपको दो आदमी का है। पाजी हमारे शो में तो आदमी आदमी है, यहाँ तक कि औरतें भी आदमी है। आप पाजी बात यह है कि आज हाउसफुल की तीनों हिरन में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही एक विशेष बहस के ऊपर वार्तालाप करने का दिल कर रहा है। अगर हीरोइनें नहीं होती तो लोग फिल्में देखने जाते? अंकल अंकल कुछ कहना चाहते हैं। जी जी हाँ, पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। नहीं जाते जी, नहीं जाते जी अंकल जी, इनसे पूछो क्यों नहीं फिल्म जाते? में अगर हीरोइन नहीं होगी तो ग्लैमर नहीं होगा। ये देखिए, ये ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। और ये भी अपनी मिसेस को नहीं लाए हैं? नहीं लाए हैं, लाए हैं। सर जी नमस्कार, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। तो सर आज तो इधर ग्लैमर नहीं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो अधूरा लग रहा है ना। नहीं पर आप अपना ग्लैमर तो लेके आए ना टिफिन में। वो तो पिछले 37 साल से है साथ में। तो मतलब अभी आपको उनमें ग्लैमर नजर नहीं आता? नहीं आता है, तभी तो 37 साल से साथ रखा हुआ है। लेकिन अगर अगर चेंज हो तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, 37 साल से इन्होंने आपको रखा है, आपने उन्हें नहीं रखा है। तो ये याद रखिएगा, खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो छुरी। क्या बात है सर, जब आपकी लाइफ में महिला आती हैं, आपकी अर्धांगिनी आती हैं, तो एक आदमी की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? आदमी टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। और क्या होता है मतलब टेढ़ा? तो आप पहले टेढ़े थे? एक जनरल बात है, मेरी अपनी नहीं है। सर 37 साल बाद भी ऐसे लफ्ज आपके मुंह से निकल रहे ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ 37 साल पहले आप कितने टेढ़े होंगे। जलेबी जलेबी जैसा नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कपिल, जैसे हमने उनके बारे में तो सुना जो 37 साल से साथ में है जी, और भी लोगों से पूछते हैं। पाजी वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू जोड़ी बैठी हुई पीछे। आप लोगों की नई नई शादी हुई है? कितने साल पहले हुई शादी? 5 महीने पहले। 5 महीने मतलब नई नई, एकदम नई नई? हाँ जी। तो इनसे पूछे ना सर, जैसे सर बता रहे थे कि आदमी सीधा हो जाता है टेढ़ा आदमी भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है 5 महीने में? हाँ जी। मैंने 4 लाइनों का सवाल पूछा, एक सीधे से ज्यादा तो उदास लग रहे हैं। ऐसा क्यों मतलब आप मैडम ये शुरू से ऐसे हैं, आपके पतिदेव थोड़े कम ही बोलते हैं? नहीं नहीं, अब भी शादी के बाद कम बोलना शुरू किया, पहले तो बहुत बोलते थे। तो सर जी आप शादी के बाद घूमने कहाँ गए थे फिर? अभी तो फिलहाल बॉम्बे में ही आया हूँ, अभी गया नहीं हूँ घूमने। 5 महीने से सिर्फ बॉम्बे ही आए हैं? हाँ जी। तो आप अपनी वजह से दुखी, किसी और की वजह से नहीं दुखी आप? मुझे अंकल आप बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आप प्लीज आपके लिए भी एक गिफ्ट है हमारे तरफ से। जी आइए। इनाम लेने अकेले आए, अकेले को छोड़ दिया। बड़ा ही खूबसूरत मोबाइल आपको दिया जा रहा है। आप और भी कुछ पूछो ना इनसे। नहीं तो आपको ये मोबाइल दिया जा रहा है ताकि आप कहीं और भी कुछ। किसको करेंगे? हाँ जी, अब कौन करेगा, कौन सुनेगा फोन?
थैंक यू वेरी मच. वेलकम सर. आपसे मिलकर बहुत मजा आया सर. बहुत अच्छे हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. पकल ये मोमेंट आप याद रखिएगा, ये घड़ी आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे आप आए और आपको मोबाइल गिफ्ट किया. ये समय हुआ है अभी मेरी घड़ी पे कितना टाइम पौने कितना टाइम हुआ है अभी आपके कितना हुआ आपके कितना हुआ सवा दो आपके कितना हुआ क्या हुआ हाँ जी क्यों आप पहनते नहीं हो तो क्या हुआ क्या हुआ सर घड़ी का घड़ी निकाल ली किसी ने. अच्छा बीवियाँ बीवियाँ ही होती हैं, उनको ये नहीं खुशी की मोबाइल मिला गिफ्ट के. है आपकी घड़ी कहाँ गई. किसके पास है घड़ी भाई सीरियसली किसी के पास है. पाजी ये उतारी किसने दी आपने उतारी थी ना. ये देखो इस इंसान को. गौर से देखो इस इंसान को. ध्यान से देखिए. बच्चन परिवार का इकलौता वारिस कैसे लोगों की घड़ियां उतार लेता. मजाक करते सर आपसे. वो सब तो ठीक है, ये घड़ी किसकी है. पाजी आप मैंने एक दो बार पहले भी देखा हाथ की सफाई बड़ी है. आप पहले क्या करते थे फिल्मों में आने से पहले. पहले मैं ट्रेनों में काम करता था. नहीं सीरियसली. हाँ सीरियसली. यही काम नहीं ट्रेनों में काम करता था. ट्रेन के भी इंजन के आगे आगे दौड़ते होंगे लालटेन लेके. लालटेन लेके आगे क्यों दौड़ूंगा. ऐसा ऐसा काम कौन करता है. तू तो कहाँ देखा है. कभी कभी ऐसा कोई कोई बातें तू बोल जाता है लेकिन तेरे को पता भी होता है कि तू क्या बोल रहा है. कोई कौन सा ऐसा इंसान है जो ट्रेनों के आगे लालटेन लेके दौड़ रहा है. मैंने कहा आदमी खड़ा रहता है लालटेन दिखाते हुए हाँ भाई ट्रेन जा रही है. आगे क्यों दौड़ेगा. आपका स्टाइल अलग है ना. मैं दौड़ूंगा. मैंने कहा भारत के अगर मैं कसरत करता हूं तो इसका मतलब मैं आगे दौड़ रहा हूं. तो अभिषेक से रितेश से अक्षय पाजी से हम और भी बातें करेंगे. पाजी आप प्लीज विराजमान हो जाइए यहां पे. रख दो सब सामान और रख दो ढंग से. ओए खजूर इतना सारा सामान कहाँ से लेके आया. पैसे कौन देगा बे. अरे पता है जब से लोगों को पता चला है कि मेरा पापा अभिषेक बच्चन है. तो तू मेरे सारे काम फ्री में ही हो रहे हैं. पहली बार यहाँ आ रहा हूँ यार. अभी वो दाल मखनी वाली बात. नहीं अभिषेक बोल रहे हैं कि दिन में पहली बार आ रहे हैं आप. अच्छा हाँ दिन में पहली बार आ रहे हैं. दिन में पहली. माय गॉड पापा आ गए. पहली पहना काम करेगा पापा के. नहीं 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 ताऊ जी आप भी आ गए. आओ चाचू व्हाट्सएप. अरे मिलो अरे मुरु. What's up? Hey, don't know the kid, man. अरे पापा आपको ऐश्वर्या मम्मी ने बताया नहीं. अरे उन्होंने खुद मुझे अपना बेटा माना है. एक मिनट जरा दिखाइए. जूर बेटा यहाँ आ जाओ. हेलो मैं तो कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ. क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ. देखा आप ही मेरे पापा हो. ओए खजूर चल बेटा बहुत हो गया परेशान मत कर गेस्ट को भी जा. भाई साहब आप कौन है. अबे तू मुझे भूल गया. भूल गया मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ. बड़े घर के बच्चे देखे नहीं कि
रिश्ते जोड़ना शुरू कर दिए। मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ? अबे भूल गया, रोज मुझे कप्पू भैया मेरे पीछे घूमता था तू। तो मुझे पता नहीं था ना कि मेरे पापा अभिषेक बच्चन है। अबे कोट पहन के तू उनका बेटा कैसे हो गया? ये मांग के लाया कि चुरा के लाया किसी के? गिफ्ट है। टेलर को जैसे ही मेरी रॉयल्टी के बारे में पता चला, वो खुद मुझे फ्री में दे गया। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये किसी भी एंगल से अभिषेक का बेटा तो लगता नहीं। अरे वो तो धूप में रहने के कारण मेरी शैडो थोड़ी चेंज हो गई है। नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरे पापा अभिषेक हैं। बेटा ऐसे पापा हाथ पे लिखने से नहीं, नसीब में लिखने से मिलते हैं। ओ भाई साहब, ये फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो, आप कॉमेडी करो, जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को बुलाता है, ये भाई ये चंदू का बेटा है। ओए चंदू, आ गया जी। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है। कैसे बाजी, क्या हाल बाजी, क्या हाल जी? अच्छा, मुझे पता था भी आपसे ये लोग हैंडल नहीं होंगे, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? ओए थर्मस जैसे मुंह वाले, मैंने तेरे थप्पड़ मारना मुंह पे। ये क्या कर रहा है तेरा बेटा इधर आके? भाई यहाँ पे आके बोल रहा है अभिषेक मेरे पापा है, बता इनको सबको तेरा बेटा है। मैं गरीब आदमी, मेरी चाय में उबाल नहीं आता, बेटा कहाँ से आएगा? तू अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रहा? इसको मानकर मुझे मिलेगा क्या? लोगों को जब से पता चला ना अभिषेक बच्चन इसके पापा हैं, घर में LCD, फ्रिज, AC सब कुछ आ गया। और वैसे भी पाजी बच्चे जो भगवान की देन होते हैं, आज नहीं तो अगले साल भगवान दे ही देगा। LCD तो खरीदनी पड़ती है कि नहीं? चलो ठीक है सर, आप में से किसने इसको अपना बेटा बनाना वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसकी परवरिश के लिए जो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए। बकवास कर रहा है, चाय पिला पिला बड़ा कर दिया बच्चे को। नहीं आप सिर्फ खर्चा चाहिए कि खर्चे के साथ खर्चा पानी भी देना है? नहीं नहीं, वो अपना वो फॉर्मूला है ना यूज करते हैं कि बाप को मारो तो बेटा सच उगलता है, वो ट्राई करिए मेरा। हाँ, अरे हाँ, वही फार्मूला सही है, वही ट्राई करना चाहिए। आप सच्चाई, मेरी बात सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठोको ठोको, नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनिए सर, आजकल वो फिल्में बंद हो चुकी हैं सर, ठोको ठोको, मुंह बंद कर दो अंकल। चाय वालों को मत मारो ना, अब मेरा बाप नहीं तो किसी का बाप तो होगा ही ना। मुकर गया। मैं तेरा ही बाप हूँ, बोल इनको, और घर चल, तेरी हड्डी तोड़ता हूँ मैं। अरे पहले अपनी बचाओ, फिर बाद में मैं तो भाग रहा हूँ। इतना। अच्छा अभिषेक भाई, आराध्या अभी स्कूल जाने लगी कि नहीं? जी। तो घर पे बच्चों को होमवर्क कौन कराता है, आपके ऐश्वर्या करवाती है? वो तो बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है, तो अभी तक होमवर्क शुरू नहीं हुआ उसका। तो कल को आराध्या जब बड़ी होगी तो आप उनको पढ़ाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं? हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ड्रामा, सारे सब्जेक्ट्स। जी। सबसे पहले हिस्ट्री कहा आपने। जी। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था भारत में? 1255 में शायद आए थे। 35 रितेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा बड़ा होकर स्कूल जाता है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उनको? उसका स्कूल क्या, उसका तो खुद का स्कूल कॉलेज है। अपने स्कूल कॉलेज है? तो मतलब इसका घर स्कूल कॉलेज के ऊपर ही है? तो फिर नीचे, तो नीचे ही घर है, नीचे स्कूल कॉलेज है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कल को रितेश के बेटे के 100 में से 110 नंबर भी अगर आए। उसके क्या, मेरे खुद के आए थे। पाजी आपको तो टाइम नहीं लगता होगा बच्चों को पढ़ाने में का, कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, तो आप वैसे ही मतलब? मैं, तू और मैं वही कॉलेज के हैं। मुझे <laughs> <laughs>
शर्मा जी गजब हो गया, गजब हो गया शर्मा जी। गजब तो उसी दिन हो गया जिस दिन तू पैदा हुई थी। आपको पता पाजी ये पैदा हुई थी ना, अपनी माँ से बड़ी थी ये। रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रिपोर्टर ने कहा कि आपके बच्चा हुआ कैसा फील हो रहा है, कहती मैं ही बच्चा हूँ, माँ तो इधर है। अरे तू एक महिला की खिल्ली उड़ाई गई, उस महिला को बड़ा क्रोध आया, उसने सवाल पूछने वाले का सर फोड़ दिया। कल सुबह प्रातःकाल ऐसा न्यूज में आप सुनना चाहेंगे, मनोकामना है आपकी। क्या बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। हिंदी आपको समझ में नहीं आती, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, आप पृथ्वी लोक पे आए क्यों? सेलिब्रिटीज का वक्त जाया करने। हिंदुस्तानी तुझे देखते नहीं, अंग्रेज तुझे देखते नहीं चाहते, तू दुनिया में इग्नोर होने आई है। हुआ क्या, चला क्यों रही तू इतना? वो तो अक्षय कुमार, ओह माय गॉड, ये तो सपना नहीं है ना। मेरे हाथ छूटी काटो, क्या छूटी काटो? नहीं नहीं, पिंच मी। पिंच? इसी दिन का वेट कर रहा था, कब कहो तुम। इसको मैंने छूटी काटी, कहीं मैं सपना तो देख रहा कोई मुझे काटे। ऐसे नॉन वेजिटेरियन चुटी काटता है कोई? टीम सच में हाउसफुल थ्री की पूरी की टीम यहाँ पर आई हुई है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। इधर कोई आप में से कोई मुझे चुटी काटे, तुझे कुत्ते से कटवाऊंगा मैं। चुटी काटू तुझे। मेरी इंट्रोडक्शन कर दो ना प्लीज। हाँ पाजी, ये इनसे मिलिए, शी इज माय डार्लिंग। ए सिस्टर, कितनी बार बोलना है? सिस्टर, कॉल मी सिस्टर। हिंदी पूरी नहीं बोलनी, डायलॉग पूरे नहीं आने, सिस्टर बुलाने के लिए रखा है इधर। पाजी ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, उसकी नर्स है। अच्छा, और अगर किसी को हाँ किडनी में पथरी हो तो उसकी छाती में बैठ के पथरी तोड़ देती है। मैं कभी कभी कुछ लोगों का मुंह भी तोड़ देती हूँ, और आज मेरा दिल कर रहा है। ये आपको ये मिले हुए हैं, आप थ्रेडिंग नहीं करवाते? नहीं पहले बीच में होता है? बीच में गैप था पहले, फिर उन्होंने पूरा फिल कर दिया, बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं शाम को। अरे आप हमेशा लड़की बनती है? नहीं मैं तो दूसरी बार बनी हूँ, आप हाउसफुल तीसरी बार बना रहे, मैंने कुछ कहा? कल की बात है, कल की बात पुरानी, मैं यहाँ से निकलती हूँ, थोड़ी देर में आने वाली है नानी। ओके हेलो। हाय। अच्छा इतने अच्छे लड़के को तो हमने लड़की बना रखा है। अरे नहीं, मैं सच में लड़की हूँ। अरे ये बिल्कुल सही कह रही है, यही तो है ओरिजिनल। यो एक ही ओरिजिनल है। हाँ। सुनो सुनो, मैं ये कहना आई थी कि आपका वो नानी का सर्जरी ना बीच में रुक गई। आपकी नानी की सर्जरी? हाँ, डॉक्टर साहब भी चले गए फिल्म देखने के लिए। माय गॉड, क्या कब की बात है ये? ये डॉक्टर साहब क्या चल गए? आपको पता है अगर आपकी नानी की सर्जरी है और डॉक्टर नहीं है, आपको पता है वी थ्री, हम तीन भी अपनी अपनी फिल्मों में डॉक्टर का किरदार कर चुके हैं, हम डॉक्टरों के बारे में हमें बहुत नॉलेज है, अगर चाहिए तो आपकी नानी का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। आप इस साइड आइए। डॉक्टर नहीं है, आप लोग कर लो ना ऑपरेशन। ए कप्पू, 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 मैंने सुना है चंकी आया है। हाँ जी मैं चंकी हूँ। चंकी, दिल तोता बन जाए, टुटु टुटु करे आए। बड़ा अच्छा गाना था तेरा। आओ बोमन जी से मिलाओ आपको। बोमन, मैं बुड्ढों में नहीं खेलती। क्यों? चंकी कौन सा जवान है? आपको पता है, आपको आज एक खुशखबरी दी जाएगी। क्या? कि आपका आज ऑपरेशन होने वाला है, हम तीनों मिलके करेंगे आपका ऑपरेशन। क्या? चंकी, अभिषेक जी और रितेश जी। नहीं नहीं, आप लोग रहने तो, आप लोगों से ही सब नहीं होगा। आप फिक्र मत करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ऑपरेशन बहुत कामयाब रहेगा। मैं स्ट्रेचर मंगाऊं? भाई स्ट्रेचर मंगा दीजिए। स्ट्रेचर लेके आइए जरा। स्ट्रेचर प्लीज। बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है। हमारे साथ अभिषेक बच्चन साहब हैं, एनी बैठिए।
सबसे पहले बेहोश करते हैं, बेहोश। एनेस्थीसिया दीजिए इनको। एनेस्थीसिया नहीं है। तो आप लोग कैसे करते हो बेहोश? ऐसे। ऐसे। देखो। तेरी नानी। ग्लव्स ग्लव्स तो दो। हाँ हाँ ग्लव्स 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 ग्लव्स। ये? क्रिकेट वाले ग्लव्स? ये? हाँ ये। सिद्धू जी लास्ट टाइम आपने किया था ऑपरेशन? नहीं नहीं नहीं। ये आईपीएल में इसीलिए जाती है, वहाँ ग्लव्स चोरी करके आती है। ये पहला ऑपरेशन थिएटर है जहाँ बातें हो रही हैं। चुपचाप रहो। साइलेंस। ओके। चाकू से कौन काटता है यार? तो कैसे? हाँ ये डॉक्टर बच्चन। अरे इस आपको भी काट। आजा। आरी आरी आरी। बस 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 ज़्यादा मजे मत लो। अब ऑपरेशन शुरू करें। ऑपरेशन शुरू करें। नानी का लिवर मिल गया। और कुछ है? जवाब। अरे नानी के पेट से चिट्ठी निकली। डियर लॉटरी, गॉड इज वेरी काइंड। मैं तुम्हें आईपीएल से यहां ले आया, वहां वकार की वक वक और यहां कपिल की कप कप सुनकर मैं पक गया था। अब हम वहां भी साथ हैं, यहां भी साथ हैं, 24/7 तुम्हारा ठोको ताली। नानी के पेट में कई सारे राज हैं। ये क्या है? अखरोट। ये नाना। नाना ऐसा मत बोल। ना ना। ये जो दो चीजें मिली हैं, ये अब नानी को हम खिलाएंगे और ये इनकी आंखें निकल आएंगी। जगह तो दो पहले। नहीं अब देखो। एक आंख आई है अभी। पानी उठो नानी, उठो नानी, ध्यान से नानी, दिखाई दे रहा है? ये कौन है? अभिषेक, रितेश। ये बताओ ये कौन है? मेरा कप्पू। अच्छा अब बताओ वो कौन है? मेरे को क्या मालूम। होगा कोई भी, मुझे क्या पता, मेरी रोशनी आई है। हाँ भविष्यवाणी नहीं करती मैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं, उठिए। कितना अच्छा लग रहा है। जोरदार तालियां नानी की आंखों के लिए। आज के बाद आपको हर एपिसोड में नानी की आंखें नजर आएंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी रोशनी आ गई। अच्छा भाई ना, जब थोड़ा दिखना कम हो गया था ना, तो खा खा के मोटी भी हो गई, थोड़ा पतली कर दो थोड़ा। देखो आप एक हाथ बांध दो। चलो मैं कप्पू। क्या है? मैं जाती हूँ जरा जाके तेरे नाना को तो देखूं वो कैसे दिखते। इतने दिनों से अंधाधुनी प्यार चल रहा था मेरा। अरे अभी दिख रहा है नानी। बाय बाय। हेलो जी जी, फिल्म स्टार्स आए हुए हैं जी? हाँ मैं शूट करके भेज देता हूँ, आप एक कैमरा क्रू भेज दीजिए। ओके थैंक यू। भाजी मैं ना आजकल मेरी नई नई जॉब लगी है सीडी केबल में, तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के भेज दे, थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता है। अब प्रॉप, अब मांगा कैमरा मैन, आप भेज फटाफट भेजिए।
सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं। मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब क्या? डॉक्टर साहब तबीयत खराब है भाई। नहीं तबीयत किसी की, आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे। मनहूस डिबेट करनी, डिबेट आइए। हाँ जी आइए, आइए बम्पर आओ। बम्पर बम्पर एक मिनट भाई, टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें। एक मिनट। हाँ तुम, तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। हेलो हाय डॉक्टर मशहूर साहब, उधर बैठिए आप, इधर बाद में मिल लेना आप, मीटिंग बाद में, लाइव चल रहा है देहरादून में। हाँ आप गोंडा जिले में? अच्छा हाँ गोंडा जिले से। तो एक एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा, मैं थप्पड़ मारूंगा। चंदू। हाँ जी चंदू, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आदमी मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपने? ये देहरादून। देहरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है। डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना, आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बदायूं से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूं कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद, अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है आप, अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे, तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं नहीं, मुझे बड़ा मजा आता मारा मारी में। हाँ अलाउड है। देखिए आपकी फिल्मों में और भी कोस्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही है। आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है, तो प्लीज। ओके आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है? इन केस आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि जरूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी, इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी, इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन जरूर मौका देना चाहिए, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार 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 फिल्में करते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें आपने कभी बिना मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए। नहीं नहीं बिना मेकअप अब देखिए। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, अच्छा किया। देखिए करो, बुरा मत मान, बुरा मत बोलिए। अब इनको लेंगे आप? नहीं मैं उनको अब आप लेंगे इनको? तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी कॉफी है। ये देखिए ये पानी है, फिर पीजिए। पानी है, पानी है।
तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं, वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने साबित करना है। डॉक्टर साहब आप बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा, बनता भी है। कहने का मतलब यह कि हीरोइन ऐसी होनी चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है वो मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं पता है मुझे, नहीं पता है कि पता है मुझे, नहीं पता है। खड़े करो, किसने नहीं देखा? अरे पर देखा है सबने, सबने देखा है। ओ पाजी नहीं, अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा, लाओ इधर लाओ। नहीं मैंने पास नहीं आना, मैं उसको मार रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ रंग डाल लो, थोड़ा होली हो जाएगी। किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा? देख लिया नहीं देखा? उसको तो बता दो सर, बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है, 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं? काफी गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहाँ से आया ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया जी। जी, तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी जी, मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए, उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज अ सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है इनकी बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो, आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट गेट पर्सनल, यहाँ पे सीरियस बातें हो रही है। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझ रहा है, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है फिल्म में, एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं, तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन करना। का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है, आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है, डोंट एंग्री मी ऐसे कर, जब ये गाना गाते हैं तो मीका सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि उसको कहता है प्ले बैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टर, आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, डांटने वाली नहीं, ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है, ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेज पे बताइए कैसे? हाथ अंदर कर। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके पीछे सब छुप जाते हैं। आई थिंक मिस्टर अभिषेक बच्चन थोड़ा बोर हो रहे हैं, अगर आपको कहीं घूम फिर के आना, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है आप तीनों से जी। कई फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता, फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों? जवाब दीजिए इस बात का जवाब दीजिए आप।
इस बात का जवाब है। तो दे दीजिए इस बात का जवाब। दो मैम को इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है। डॉक्टर आ जाओ, आओ पकड़ के रखो उनको। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कह रहा हूँ इस बात का जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, इस बात का जवाब है। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो मारो उसको। प्लीज मत मारिए, ये प्रॉप हटाइए यहाँ से। लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है। अरे अक्की भैया छोड़ दो। अच्छा मेरा कोर्ट, अरे डॉक्टर चाहिए ना, कोर्ट चाहिए, ले लो। छोड़ दो छोड़ दो, अरे थैंक यू। कोर्ट नहीं चाहिए, जान चाहिए। आप बचाइए बचाइए मेरे को, आप तो हमारे अपने हैं। ये अपने बोल रहे हैं अपने। अरे आप वो हैं? है कैसे हैं आप? अपने वाले? अरे ये वो हैं? जी जी जी। इधर इधर इधर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने पिछले एपिसोड में अभिषेक की वाइफ को छेड़ा। वेल डन, वेल ऑल द बेस्ट। यस ऑल द बेस्ट। और अगली बार ऐश्वर्या आए तो ये याद रखना आप। हाँ कौन कौन ऐश्वर्या कौन है? हाँ एग्जैक्टली, सही जवाब। ओके कपिल, ओके बाय बाय, सी यू। फटाफट फटाफट एक बार अक्षय पाजी अभिषेक और रितेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी आज इन तीनों के साथ इतना मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको घर भेजने को। पाजी एक और एपिसोड करो यार, एक और होना चाहिए। और पाजी अब तो रहने की भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी, कहीं पे भी रह सकते हैं आप। ओके तो रह जाते हैं, रह जाते हैं पक्का। तो जोरदार तालियां हो जाए पाजी, एक सेल्फी हो जाए आपके फैंस के साथ इस तरफ। जी इधर मुंह, इधर तो ये सेल्फी मूवमेंट। कम ऑन एवरीबॉडी, पुट योर हैंड्स अप।
थैंक यू बाजी, थैंक यू, जोरदार ताली एक बार। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुदगुदाते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।